चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, देख भी लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब कोई भी नॉन जीरो वेक्टर्स ए और बी हो तो ये दोनों वेक्टर्स, ये वेक्टर हो गया आपका और ये वेक्टर्स हो गया, ये आपस में परपेंडिकुलर होगा, ये बात प्रूफ कीजिए। तो हम पहले भी बताए हुए हैं कि परपेंडिकुलरिटी की बात कभी भी उठे तो आप उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट को जीरो प्रूफ करने की कोशिश कीजिए, वो हो जाएगा, तब वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि इस वेक्टर को कुछ लोग समझने लगते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी क्या है, नहीं, दिस इज़ ए नंबर 10 20 50 टाइप, बी वेक्टर है, यानी कि 10 इंटू बी वेक्टर लिखा जा सकता है प्लस 50 इंटू ए वेक्टर लिखा गया है, अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 50 है तब। तो इसको एक नंबर की तरह ट्रीट करना है, ये वेक्टर है, इसको एक नंबर की तरह ट्रीट करना है, ये एक वेक्टर है, उसी तरह उसमें भी कहानी है। तो अगर ये वेक्टर अगर उस वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो नाउ फोर दिस टू वेक्टर्स क्या बोला है कि फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स, हाँ, फॉर दिस टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वी हैव टू प्रूफ वेक्टर ए प्लस सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। देखते हैं आप, अब इस वेक्टर के साथ अगर डॉट लेना है तो पहले ये सोचो कि क्या दोनों सेम है, क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, सही है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए वेक्टर ए, सही है। मतलब इसे हम लोग ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में भी अगर ए प्लस बी ए माइनस बी है तो पहले वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं और माइनस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो बारी बारी से आप डॉट ले लो, डायरेक्ट ये भी आ जाएगा अगर ए प्लस बी ए माइनस बी के केस में, लेकिन इसमें नहीं आता है, याद रहे वेक्टर ए प्लस बी का डॉट अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ लेते हैं तो अगर आप ये समझते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी आ जाए ऐसे, तो ये यहाँ पे गलत होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये दोनों सही है लेकिन इसमें आता है टू इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, लेकिन ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर में डॉट में ये कहानी यूज किया जा सकता है। नहीं तो अगर ये यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वेक्टर का डॉट उस पूरे वेक्टर से लेना है, फिर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का डॉट इस पूरे वेक्टर से लेना है, और देखना क्या आ रहा है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए वेक्टर का, ए वेक्टर का एक तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड है उसका मल्टीप्लाई होगा ही, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी वेक्टर का साथ बी वेक्टर का डॉट होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर होगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, वेक्टर ए का वेक्टर बी में मल्टीप्लाई का होगा तो दोनों एक स्केलर है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा, और बी वेक्टर के साथ डॉट करना पड़ेगा ए का तो वेक्टर बी डॉट ए वेक्टर, ये तो लिखना पड़ेगा, सॉरी प्लस क्यों, इनटू में ही ना,
ये टाइम्स होगा, ये एक नंबर हो गया स्केलर 10 20 50 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फिर इस वेक्टर के साथ ब्रैकेट में अगर अंदर गुना करेंगे तो प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ लेना होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के साथ लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ लेंगे क्योंकि वो तो वेक्टर्स हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, एक माइनस एक प्लस ये कट जाएगा। फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी डॉट ए, फिर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, ये प्लस में ये माइनस में ये भी कटेगा जीरो, तो प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूव्ड, कोई दिक्कत? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या बोल रहा है? अब जरा क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे गौर करते हैं। कह रहा है कि वेक्टर ए का डॉट वेक्टर ए के साथ लिए तो जीरो आया, एंड वेक्टर ए का डॉट वेक्टर बी के साथ लिए तो भी जीरो आया, देन व्हाट कैन बी कंक्लूड अबाउट वेक्टर बी, वेक्टर बी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना उसको यूज करने सीखो। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हमको जीरो दिया गया है, तो इसमें ये तो तय है कि वेक्टर ए का ए के साथ अगर डॉट ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ इन दोनों के बीच का एंगल होगा, तो वेक्टर ए अपने ही वेक्टर के साथ तो जीरो डिग्री एंगल ही बनाएगा, तो ये तो जीरो डिग्री हो गया। तो ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू कॉस जीरो डिग्री वन, इसका मतलब ये तो बात तय है कि कॉस जीरो डिग्री तो कभी जीरो नहीं होगा, यानी कि तीसरा प्रोडक्ट तो जीरो होगा नहीं। तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर को जीरो होने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ही जीरो होना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब वेक्टर ए को ही जीरो होना पड़ेगा, ये मस्ट बी फिक्स है, ठीक है? ये इस इंफॉर्मेशन से ये आया, आउटपुट आया, कंक्लूजन आया। नाउ ऑल्सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज जीरो, तो यहां से तो हम ये लिखेंगे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर जीरो आ गया इसका मतलब ये इसे जीरो कर देगा, तो बी वेक्टर के बारे में आप क्या कंक्लूजन कर सकते हो? तो हम कह सकते हैं वे वेक्टर इज एनी ऑफ वेक्टर, एनी ऑफ वेक्टर जीरो और नॉन जीरो, मतलब बी वेक्टर जीरो वेक्टर भी हो सकता है एंड बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए के कंपोनेंट के चलते ही ये जीरो हो जाएगा, तो बी वेक्टर जीरो हो या ना हो कोई क्या फर्क पड़ता है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? तो हम वी वेक्टर को लिख सकते हैं इज एनी ऑफ द वेक्टर जीरो और नॉन जीरो ऑल्सो विच इज हाँ, एक और बात कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो बी वेक्टर के साथ वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, वो तो एंगल डिफाइंड ही नहीं होगा फिर तो। इसका मतलब बी वेक्टर जीरो वेक्टर भी हो सकता है या बी वेक्टर कोई भी वेक्टर हो सकता है, परपेंडिकुलर की तो बात ही नहीं उठेगी क्योंकि उन दोनों के बीच का एंगल डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो क्लियर हो चुका है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो है वो जीरो है, ठीक है ना? ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है कि इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या है? वन है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तीनों। सच दैट कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वो जीरो वेक्टर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, इसका वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चंस में तीनों में अगर डॉट लगाना है लगा हुआ है तो आप सोचिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर टू ए बी टू बी सी टू सी ए, तो डॉट में भी कुछ ऐसा ही होगा, डॉट में भी कुछ ऐसा ही होगा। यदि आप यूज कर लें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोल लूँ, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोल लूँ, तो हम कह सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी प्लस वेक्टर सी का डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ ले लेंगे, क्योंकि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट लेने से आता है। ये आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है, क्योंकि कॉस 0° 1 होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जान लो कि बहुत बार यूज होता है, उसी वेक्टर का अगर 0 दिया हुआ है या मैग्नीट्यूड की बात की तरह यूज हो रहा है तो उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट। अब ये तो इन्फॉर्मेशन पता हो गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का जो वैल्यू है वो 0 वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो 0 होगा, ये बात तो क्लियर हो गया। तो उसका मैग्नीट्यूड 0 है ना, क्योंकि तीनों का सम वेक्टर अगर 0 वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो ऑफ कोर्स 0 ही होगा, डायरेक्शन तो है ना डिटरमाइंड होता ही नहीं है। तो दिस इज़ द 0 का स्क्वायर। अब इसका अगर इसके साथ डॉट लेना है तो आपको क्या करना होगा, डॉट करने के लिए आपको पहले सब में डॉट करना होगा। तो वेक्टर ए का ए के साथ डॉट लोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर ए का बी के साथ लोगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर ए का साथ सी लोगे तो प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर वेक्टर बी का लोगे तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, फिर प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, फिर प्लस सी के तीनों में मल्टीप्लाई करो तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो आप देखोगे कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आएगा, ए डॉट बी और यहाँ से बी डॉट ए, हम इसको 2 times ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वेक्टर ए डॉट बी का ये चेंज हो जाने से, पहले बाद हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आप कह सकते हो ए डॉट सी और सी डॉट ए किधर ही होगा यहाँ पे, तो 2 times ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर उसी तरह से 2 times ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और देखो यहाँ से बी वेक्टर का बी के साथ लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर भी होगा क्योंकि यहाँ सी डॉट सी भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का मैग्नीट्यूड तो 1 है तो ये 1 हो जाएगा, फिर 2 times ऑफ हम ले सकते हैं कॉमन वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, पहले यहाँ वाला फिर यहाँ वाला लिख दो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और ये प्लस 1 ये प्लस 1 ये इज इक्वल टू 0। तो यानी कि 2 times ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ 3, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा तो 2 को उधर भेज देंगे आंसर आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस 3/2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आपस में जो इंटरचेंजिंग होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसके जगह से कोई दिक्कत नहीं, ए डॉट बी लिखो चाहे बी डॉट ए लिखो। तो इसमें आपसे वैल्यू पूछा था ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए का, जिसका वैल्यू -3/2 है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही।